Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turabeda. Today we are discussing about the point of sale and credit limit. Point of sale क्या होता है? POS invoice जब हम बनाते हैं तो उसमें multiple option आते हैं payment receive करने के. मतलब suppose कीजिए जब आप कोई चीज़ sale कर रहे हैं किसी customers को अपने, जब वो हमें payment दे रहा है तो वो cash में दे रहा है, कुछ पैसे credit card से दे रहा है, कुछ उसके पास gift coupons हैं, कुछ पैसे डेबिट कार्ड से कटवाना चाहता है, कुछ पैसे कैश में पेमेंट करना चाहता है. तो जब मल्टीपल मोड में वो पेमेंट करेगा हमें, तो उस कंडीशन में हम पॉइंट ऑफ सेल क्रिएट करेंगे. और क्रेडिट लिमिट होती है तो कस्टमर की हम एक क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं कि से इतने रुपए से ऊपर हमें गुड्स जो है वो सेल नहीं करनी है. ठीक है, तो जब हम उसे सेल करें तो वो हमें बता दे या हमें परमिशन ना दे उस चीज़ को सेल करने के लिए, उसे बताए कि वो क्रेडिट लिमिट्स है, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज टैली के अंदर. तो चलिए शुरू करते हैं टैली के अंदर. सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल देखते हैं. पॉइंट ऑफ सेल करने के लिए आपको एक नहीं ओपन करनी है, उसमें आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट पे जाना है. यहाँ पर आपको पी ओ एस इन्वॉइस बनाना है, यानी पॉइंट ऑफ सेल इन्वॉइस. पॉइंट ऑफ सेल इन्वॉइस बनाया आपने. टाइप ऑफ वाउचर में सेल लेंगे हम, सेल के ऊपर इम्प्रिंट होगा. यूज़ मेथड नंबरिंग, मैनुअली भी रख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली. चलिए मैनुअली रख के हम करते हैं, हर बार हम ऑटोमेटिक करते हैं, अब की बार मैनुअली करते हैं. तो नंबर हमें अपने पास से चूज़ करना पड़ेगा. उसके बाद हम इसे सेव कराएंगे. यहाँ से यूज़ पी ओ एस इनवॉइस रखेंगे. प्रिंट मैसेज आप कुछ देना चाहते हैं, जैसे विजिट अगेन मैंने डाल दिया है, या फिक्स प्राइस, ऐसा आप डाल सकते हैं. टाइटल कुछ देना चाहते हैं, ऑफर सेल वगैरह, लाइक ऑफर सेल. डिक्लेरेशन देना चाहते हैं गुड्स के बारे में कुछ, ऑल आइटम्स इन गुड कंडीशन. ठीक है, इस तरह से हम दे सकते हैं, या जैसे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या बदलने का समय चेंजिंग टाइम इतने बजे, तो वो सारा डिक्लेरेशन हम दे सकते हैं. इसको हमने सेव कराया. उसके बाद आप आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउच में, F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे POS इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेंगे नेम में. अगर आपको यहाँ पे सिर्फ कैश शो कर रहा है, तो कैश अगर शो कर रहा है तो यहाँ पे आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे, आपको ये चार ऑप्शन शो हो जाएंगे, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक प्रिंट, चेक और कैश. ठीक है, अब सबसे ऊपर आ रहा है हमारा यहाँ पे वाउचर नंबरिंग, जो हमने मैन्युअली किया था, इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट 2 दिखा रहा है, और इसमें चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है. अगर हम उसे ऑटोमेटिक रखते तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 आता और उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो अब हम इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. मैंने ले लिया PO02. पार्टी नेम ओल्ड सी करके बना लिया, लाइक हरी प्राइवेट लिमिटेड, अंडर में सैंडी डेटर्स. मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे. उसके बाद सेव कराएंगे इसे हम. यहाँ पे सेल ही लेंगे, आइटम ले लिया मैंने, लाइक हॉट कोयली ले लेते हैं, या फिर और कोई दूसरा आइटम ले सकते हैं आप, लाइक TV. इसे मैंने लिया पीसीज में. ठीक है, नेगेटिव बैलेंस से बचने के लिए मैं इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूँ. यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके मैंने इसको 10 पीस ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए. ठीक है, 10 पीस मैंने लिए हैं, 2500 रुपये का एक था. यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, टोटल अमाउंट मेरा आ रहा है 1 पीस मैंने लिया, 10 पीस मैं बेच सकता हूँ. यहाँ पे मैंने ले लिया 2500 रुपये का ईच, तो टोटल मेरा बता देगा वो कि भाई 25000 रुपये की पेमेंट आपको करनी है. तो जब 25000 रुपये की पेमेंट करनी है, अगर आपके पास कोई गिफ्ट कूपन है पार्टी का, तो जैसे लाइक मेरे पास उस पार्टी के पास मेरा कोई गिफ्ट कूपन है, तो यहाँ पे लाइक ऐसे बना सकते हैं, गिफ्ट वाउचर अंडर सैंडी क्रिएटर्स ले लेते हैं इसे. उसके लिए मेरी पार्टी सैंडी क्रिएटर्स होगी. ठीक है, यहाँ पे जितने रुपए का गिफ्ट वाउचर था वो मैंने डाल दिया, 250 रुपये का उसके पास मेरा गिफ्ट वाउचर था.
क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है वो हम यहाँ पे बना लेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का, मेरा उसने क्रेडिट कार्ड मुझे दिया है अंडर बैंक अकाउंट में। बैंक से उसने मुझे 15,000 रुपये की पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड से, और कार्ड नंबर मैं उसका यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 14 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद चेक अगर सेम आईसीआईसी बैंक का है तो आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। अदर किसी बैंक का चेक दे रहा है लाइक एसबीआई बैंक का, वो मुझे अगर चेक दे रहा है तो एसबीआई बैंक ले लेंगे। यहाँ पे अंडर में बैंक अकाउंट ही रहेगा। उसने मुझे 8,000 रुपये जो है वो बैंक से पे कर दिए। एसबीआई बैंक का नाम है बैंक, चेक नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा पैसा है वो कैश से पे कर रहा है, तो 1,750 रुपये कैश से पे करने हैं उसे। अब वो टेंडर्ड कैश में वो अमाउंट लिखेगा जितना उसने कैश में उसे पे किया। मतलब अब अगर कैश में उसने 2,000 रुपये का नोट है मुझे, तो 250 रुपये मैं उसको रिफंड करूँगा, ठीक है। अगर वो मुझे 1,750 रुपये देता तो बैलेंस कुछ नहीं बचता, ठीक है। चलिए 2,000 रुपये ले लेते हैं, देन सेव किया हमने। प्रिंट आउट पूछ रहा है निकालना है, मैंने कहा यस। ओल्ड जेड जूम करके देख लेते हैं। देखिए जो हमने प्रिंट टाइटल दिया था वो ऊपर आ रहा है, ऑफर्स सारे डिटेल यहाँ पे बता रहा है, क्या टीवी खरीदा, कितने टीवी खरीदे, कितने रुपए के थे। जो प्रिंट मैसेज थे वो मेरे यहाँ पे दिखा रहा है, देन डिक्लेरेशन मेरा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ सेल बना सकते हैं टैली के अंदर, तो इसका इस्तेमाल मल्टीपल पेमेंट रिसीव करने में कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्रेडिट लिमिट की। क्रेडिट लिमिट क्या होता है, जैसे मैं सेल कर रहा हूँ किसी कस्टमर को, लाइक हरी प्राइवेट लिमिटेड ही है मेरा। अब मैं इसे क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहता हूँ कि भाई इसकी ना एक क्रेडिट लिमिट सेट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, F11 F1 में मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को हम यस रखेंगे। मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करने के बाद आप हरी प्राइवेट लिमिटेड में जब सैनिटाइटर्स के अंडर में जाएंगे, कंट्रोल एंटर करके इसको मैं अल्टर कर रहा हूँ, नहीं तो आप लेजर में जाके अल्टर कर सकते हैं। सेट अल्टर क्रेडिट लिमिट आ रहा है यहाँ पे, मैंने कहा भाई इसे 25,000 रुपये से ऊपर का माल उधार नहीं बेचना है एक इनवॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25,000 इसकी क्रेडिट लिमिट सेट कर दी। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे हरी प्राइवेट लिमिटेड से, तो इसकी यहाँ क्रेडिट लिमिट शो करेगा 25,000 रुपये, ठीक है। आइटम नेम ले लिया, लाइक मैंने टीवी इसे बेचा है, एक टीवी बेचा 2500, नहीं मैं इसे ले लेता हूँ 70,000 रुपये का। जब हम इसे सेव कराएंगे तो ये हमें मना कर देगा कि भाई आप जो है एक्सीड कर रहे हो अपनी क्रेडिट लिमिट को। देखिए क्रेडिट लिमिट ऑफ हरी प्राइवेट लिमिटेड इतना एक्सीडेड करंट 75,000 रुपीज़। अब या तो क्या करेंगे, या तो हम इसे जो टीवी है वो कम पैसे का बेचेंगे, लाइक 2500 रुपये का, 25,000 रुपये का मैंने बेचा, अगर 25,000 रुपये तक की एंट्री है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल और क्रेडिट लिमिट। तो जुड़े रहिए एटीट्यूड अकेडमी के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आज ही करें, और अगर कोई इंक्वायरी है तो हमसे सलाह लें। बने रहिए एटीट्यूड अकेडमी के साथ। हैव अ गुड डे।